as we have already discussed that there are three types of financial statements that are used to understand the financial health of a firm or a company altogether these three financial statements are the balance sheet the income statement and the cash flow statements so in this module we are going to discuss what is meant by an income statement what are the various components of an income statement and when we look at the income statement how do we analyze it what are the various things that we need to understand that this is what they are telling us so uh, this is what the basic objective of this module is so financial statement um, ki different teen tarah ki forms hain jaise abhi aapko bataya to abhi income statement ko discuss इनकम स्टेटमेंट किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करी होती है एंड दिस इज़ अ टाइम बाउंड स्टेटमेंट सो जनरली इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर एंड इट गिव्स यू अ समरी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म सो इसको देख के इसकी एंट्रीज को देख के आपको अंदाज़ा होता है कि फॉर्म प्रॉफिट बना रही है या उसको नुकसान हो रहा है सो so, Um, this tells you one aspect of the perf financial performance of a firm so discussed that there are different things that are taken into consideration when we prepare a balance sheet or when we look at the balance sheet or when we analyze the balance sheet similarly, there are various components of an income statement so income statement we have basically different sources say revenues ari jo gains hai, jo losses उनको account for karke, overall profitability ki ek इमेज को डेवलप करते हैं सो इनकम स्टेटमेंट को दो तो और नामों से जाना जाता है वी कैन वी कैन कॉल इट एन इनकम स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स एज वेल और इसके अलावा हम इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं सो so, जैसे हमने लफ्स इनकम का बोला तो इनकम में हम प्रॉफिट माइनस लॉस करेंगे तो आपके पास जो इनकम जनरेट होगी तो दीज आर द वेरियस वेज थ्रू यू कैन कॉल द सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट सो इसके जो की एलिमेंट्स हैं ऑल टुगेदर देर आर फोर की आइटम्स या की एलिमेंट्स जिनकी बेसिस के ऊपर ये बनाया जाता है सो वी कन्सिडर द रेवेन्यूज वी कन्सिडर द एक्सपेंस वी कंसिडर द गेंस एंड वी कन्सिडर द लॉसिस सो ये चार तरह की की आइटम्स या एलिमेंट्स हैं जिनको जिन पर मुशतमिल होकर इस स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है या मुतब किया जाता है सो देर इज अ कॉशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेन वी प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट इट डज नॉट कवर द रिसीट्स रिसीट का क्या मतलब है कि जो मनी आपने बिजनेस या कैश पेमेंट की या डिसमेंट्स करने हैं वो इसमें हम कंसिडर नहीं करते और जो किसी भी बिजनेस ने रिसीव करने हैं या किसी भी बिजनेस ने कैश को कैश के फॉर्म में कोई भी पेमेंट्स करने हैं हम वो कैश के पेमेंट्स इसमें अकाउंट फॉर नहीं करते कैश पेमेंट्स को अकाउंट फॉर करने के लिए वी हैव अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वी आर गो डिस्कस इट लेटर सो so बेसिकली जब हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं या किसी भी प्रिपेयर हुई भी इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं या देखते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें सेल्स नज़र आते हैं सेल्स से हम देखते हैं नेट इनकम जनरेट हुआ हुआ और उसके बाद फिर हम इनकम्स पर शेयर अर्निंग्स पर शेयर या ई की वैल्यूज को कैलकुलेट होता हुआ देखते हैं सो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में हम प्रोसेस दिखाते हैं पूरी स्टेटमेंट के थ्रू वी एक्सप्लेन द प्रोसेस और वी demonstrate the process how the net revenues earned or realized by a company are transformed into the net earnings which can be in the form of profit or loss so when i said that there are four major components of an income statement such as the revenues and the gains and we have the losses so revenue gains रेवेन्यू के लिए हम दो तरह के क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड द अदर द नेक्स्ट वन इज अ नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू व्हेन वी से ऑपरेटिंग रेवेन्यू इट मींस द रेवेन्यू रियलाइज थ्रू द प्राइमरी एक्टिविटीज अब आप सोचे होंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन से हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन से हैं तो सपोज एक फॉर्म है जो कि सीमेंट बनाती है तो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करना उसकी प्राइमरी एक्टिविटी है मगर अगर सपोज उसके पास सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं और वो ओपन मार्केट में जाके या जाके लोन एक्सटेंड कर देती है वही जो सरप्लस फंड है उसको थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने के लिए या सूद कमाने के लिए उसको एक्सटेंड कर देती है तो वो जो वो उसमें भी मकसद यही है कि आप प्रॉफिट को जनरेट कर सके तो बेसिक मकसद जो फॉर्म का था वो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करना था तो इस एग्जाम्पल में वी कैन से दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट इज द प्राइमरी एक्टिविटी वेयर एज एक्सटेंडिंग द लोन इन ऑर्डर टू जनरेट सम मनी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या सूद इज द सेकेंडरी एक्टिविटी सो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब है कि वो पैसा या रेवेन्यू जो कि किसी फॉर्म ने अपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए जनरेट किया है इसके अलावा हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होती है जो कि हम इनकम स्टेटमेंट को तैयार करने में अकाउंट फॉर करते हैं वेन वी से नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो इट इज द रेवेन्यू विच इज रियलाइज्ड और अर्न थ्रू द सेकेंडरी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि आप लोन एक्सटेंड करके उसके ऊपर जो भी कोई रेवेन्यू जनरेट करने जा रहे हैं दैट वुड बी कंसिडर एज द नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसके अलावा वी डू अकाउंट अकाउंट फॉर द गेंस और द अदर इनकम विच इज विच इज अर्न बाय कंपनी एंड इट इज़ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट और वेन वी से गेंज और अदर इनकम तो उसमें किस किस्म की एंट्रीज ली जाती हैं कंसिडर की जाती हैं या कुछ किस किस्म की आप अकाउंट um, फॉर uh, करते हैं ट्रांजेक्शंस को तो इट इज़ द नेट मनी विच इज मेड फ्राम अदर एक्टिविटीज सच एज द सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज अब गेंस में और अभी जो मैंने आपके लिए टर्म बोला था ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसमें फ़र्क है व्हेन वी अकाउंट फॉर द गेंस और द इनकम फ्राम अदर सोर्सेज उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिविटीज को अकाउंट फॉर करते हैं जो कि वंस एक्टिविटी परफॉर्म होती है वंस इन अ टाइम एक्टिविटी परफॉर्म होती है फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई बसेस थे या वैन्स थे या कोई पुराना इक्विपमेंट है और आपने वो इक्विपमेंट को बेच दिया तो उससे जो आपको मनी जनरेट जनरेट हुई है वो गेंस और अदर इनकम के हेड में अकाउंट फॉर की जाएगी सो दिस विल नॉट बी कंसिड एज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है कि यू हैव वेन एवर यू हैव एनाफ कैश विद यू यू कैन एक्सटेंड इट इन द फॉर्म ऑफ लोन टू टू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वंस इन ऑल टाइम्स रेवेन्यू जेनरेशन विच विल भी कंसिडर्ड एज द गेंस और अदर इनकम जैसे आपने कोई एक्वमेंट जो आपके इस्तेमाल में अब नहीं है या पुराना हो गया अपने उसको निका बेच दिया कोई आपके पास पीस ऑफ लैंड पड़ा था जिसके ऊपर इनिशियली सपोज़ यू प्लान कि हम इसके ऊपर कोई एक्सटेंड करेंगे अपनी प्लान को या कुछ भी लेकिन लेटर ऑन यू डिसाइडेड के हमारे एक्सपेंशन के या कोई ऐसे प्लान्स नहीं है तो हमारे पास जो अनयूटिलाइज लैंड पे पड़ी है आप उसको बेच देते हैं तो वहाँ से जो आपको इनकम जनरेट होगा आप उसको अकाउंट फॉर करेंगे गेंस और अदर इनकम के हेड में सो so, इसी तरह से आपने कोई सब्सिडरी कंपनी बनाई है वहाँ से अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो आप उसको भी गेंस या अदर इनकम के हेड में अकाउंट फॉर कर सकते हैं देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर अकाउंटेड फॉर इन एन इनकम स्टेटमेंट तो so, मैंने अभी आपको बोला था दैट वी नीड टू कैटेगराइज दैट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिस और द रेवेन्यूज दैट आर बींग जनरेटेड बाय अर फॉर्म तो वो प्राइमरी एक्टिविटी से जनरेट हो रहे हैं या सेकेंडरी एक्टिविटी से जनरेट हो रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी विल बी दैट दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी जो कि मेन पर्पज इस्टेब्लिश करने का या मेन ऑफ और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द फॉर्म नहीं है सो इफ द इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे मनी जनरेट हो रहा है या मनी एक्सपेंड हो रहा है स्पेंट हो रहा है एक्सपेंसेस जा रहे हैं और वो आपका मेन पर्पज़ है तो दैट वुड बी कंसिडर एज अ प्राइमरी एक्टिविटी सो अगैन एज वी डिस्कस दैट द रेवेन्यूज कैन बी ऑफ टू टाइप्स द ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड द फ्राम द प्राइमरी एक्टिविटी एंड द रेवेन्यू फ्राम द सेकेंडरी एक्टिविटी सिमिलरली हम एक्सपेंसिस को भी अकाउंट फॉर करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी एक्सपेंसिस और इसमें जनरली हम चार मेजर तरह के एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर करते हैं सबसे पहली जो आपकी एक्सपेंस है वो आपने जो भी चीज़ें बेची हैं इना या उसकी ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितनी आई है आप उसको अकाउंट फॉर करते हैं एंड दिस इज एब्रीविएटेड एज सी ओ जी एस सो इट दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वन सेकेंडली आप इसमें अकाउंट फॉर करेंगे वेन यू आर टेकिंग टू कंसिडरेशन द प्राइमरी एक्टिविटी एक्सपेंसिस तो दूसरी जो चीज़ हमें हमें अकाउंट फॉर करनी है दैट इज़ अ जनरल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड दिस इज़ एब्रीविएटेड एज जी एस एंड ए और तीसरी चीज़ जो आप इसमें अकाउंट फॉर करेंगे दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन जो आपके पास जो भी इक्विपमेंट है वी नो कि जब हम उसको बाय करते हैं आफ्टर अ ईयर और आफ्टर वाट एवर नंबर ऑफ यर्स जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं करें तो आप उसकी जो वैल्यू है इनिशियल कॉस्ट जिसको आपने बियर किया था उसको बाय करने के लिए वो उसके बराबर नहीं रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल डिप्रिसिएट सो आपने इसमें जो अकाउंट फॉर करनी है इनकम स्टेटमेंट के अंदर अमाउंट दैट दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन सो जो भी आपके एसेट्स हैं टेंजल एसेट्स हैं आप उनके ऊपर uh, कोई भी जो अपना आपका जो वे uh, है डिप्रिसिएशन की अलाउंस को डिडक्ट करने के लिए आप उसको निकाल उसको कंसिडर करने जा रहे हैं Uh, जो चौथी तरह की एक्सपेंस आपने अकाउंट फॉर करनी है दैट इज़ द आर एंड डी एक्सपेंसिस सो देर आर वेरियस फॉर्म्स और वेरियस सेक्टर्स जहाँ आर एंड डी एक्सपेंसिव काफ़ी बड़े सिग्निफिकेंट पोर्शन के होते हैं सो द फोर्थ टाइप ऑफ एक्सपेंस विच इज़ कंसिडर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट इज द आर एंड डी एक्सपेंस इसके अलावा आप बीच में टैक्सेस को भी कंसिडर करते हैं डिविडेंड्स जो भी आपने दिए हैं शेयर होल्डर्स को आप उसको अकाउंट फॉर करेंगे

as a secondary activity expenses uh, then you are going to consider the losses and they will be also accounted for as the expenses so uh, the mom expenses joke ke uh, koi activity we had jahan nuksan loss ho gaya account for karenge uh, aur usko as an expense show karenge so this this could be any unusual cost or expenses say आप आपको अपनी जमीन के ऊपर कोई कब्जा हटाने के लिए या कोई भी और लीगल इशू को सॉल्व करने के वास्ते आपको कोई फी देना पड़ा है तो दैट वुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस सो ऑल दीज एक्सपेंसेस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ रेवन्यूज आर अकाउंटेड फॉर इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम स्टेटमेंट